वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन ज़रा बात कर ली जाए कि जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है इस वक्त पेंडेमिक की बात करें या वायरल बीमारियों की बात करें पीपल आर वेरी वेरी कंसर्न एंड इट हैज़ एक्चुअली अफेक्टेड एवरी फॉर्म ऑफ आई लाइफ यानी हर एरिया में हम कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं जिस तरह हम आउटिंग करते हैं जिस तरह हम बिजनेसिस करते हैं यहाँ तक कि हम क्या पहनते हैं क्या आपको पता है कि देर इज़ समथिंग कॉल दी एंटी बैक्टीरियल लॉन यानी अब आपका फैब्रिक भी आ, उसकी बनावट ऐसी हो सकती है कि वो रिजिस्ट करे बैक्टीरिया और वायरसेस को और आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल सके ये किस तरह मुमकिन है पर बात करते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ़ द ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि uh, इस चीज़ पे इस इनोवेशन पे काम कर रहे हैं यू कैन रेस्ट श्योर दैट देर ऑफरिंग देयर कलेक्शन इज़ एंटी बैक्टीरियल लॉन हमारे साथ मौजूद हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जनाब शहबाज अली मलिक मलिका असम शहबाज साहब शहबाज साहब एवरीबडी इज़ कंसर्न एक तो बीमारियाँ और पेंडेमिक का जो पूरा खौफो हरास रहा है हमें बताइए इट रियली कॉट माई अटेंशन वेन यू आर ऑफरिंग एंटी बैक्टीरियल लॉन इसके बारे में बताइएगा सर जी वी ऑल नो सिंस 2019 ये कोविड के मसाइल चल रहे हैं एंड पॉपुलर आफ थॉट ऑन इट और वी uh, थॉट के जी कम्युनिटी के लिहाज से भी जो है वो हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिहाज से भी सोचना चाहिए हमें गरीब मुल्क हैं और uh, जो प्रोडक्ट पॉपुलर ग्रुप बनाता है वो डेफिनेटली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए बनाता है एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एनी स्पेशल थिंग इज़ वेरी हार्ड फॉर एवरी तो आ, हमने जो है वो इस पर बहुत आर एंड डी की और आ, हमने कहा कि हमें अपना बिट भी जो है वो डालना चाहिए तो आ, दिस इज़ अ प्रोसेस बेसिकली और केमिकली जो है वो इसको ट्रीट किया जाता है जैसे कि मेडिसिन भी जो है वो बहुत सारी कोट की जाती हैं तो उनको भी केमिकली ट्रीट किया जाता है इसी तरह जो फैब्रिक है उसको हमने केमिकली जो है वो ट्रीट किया है और उसको एंटी बैक्टीरियल जो है वो हमने उसको किया है ताकि जो इंसान भी पहने और पहनने के बाद कहीं भी अगर वो सफ़र करे तो जब वो वापस अपने घर आए तो उसको ये महसूस ना हो कि वो कोई डेंजर अपने साथ जो है वो घर में लेकर आ रहा है या आ रही है क्योंकि आजकल आपको पता है यू यू बीइंग अ प्रोफेशनल सॉरी टू कट देयर मुझे ज़रा बताइएगा ये क्या प्रोसेस है जैसे आप कपड़े तो जाहिर सी बात है वॉश एंड वेयर करते हैं वो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा वेयर नहीं करना है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है ये किस किस्म का ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की वायरस की अफजाइश कपड़े पे नहीं हो पाती होगी यानी उसके लिए वो एनवायरनमेंट नहीं है या कदरे रेजिस्टेंट है ये किस तरह पॉसिबल हुआ है जी लाइक यू नो हम प्रिंटिंग करते हैं तो कलर जो है वो पोर इन करते हैं कपड़े में आपने भी जो है वो ड्रेस पहना हुआ है इस वक्त प्रिंटेड ड्रेस पहना हुआ है तो नेचुरली जब आप इसको धोते हैं तो ये कलर नहीं जाता तो इसी तरह जो है वो इसी के साथ वो भी पोर इन किया जाता है इसी के साथ वो ट्रीट किया जाता है कलर्स के साथ जो है वो उनको फॉर्मुलेट कर कर और उसे जो है वो हम प्रिंट करते हैं डाई करते हैं ताकि वो एक सर्टन टाइम तक जो है वो ज़रूर रहे सही अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे रोटरी प्रिंटिंग होती है डिजिटल प्रिंटिंग होती है इसका फ़र्क क्या है और दूसरा जैसे आपने कहा कि कई लोग ब्रांड्स के बजाय आपके डिज़ाइन से आपको पहचानते हैं और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कापी राइटिंग ऑफ द डिज़ाइन है नहीं आपने इतनी मेहनत करके एंटीबैक्टीरियल लॉन निकाली लेकिन उसका डिज़ाइन किसी ने अगर काउंटर बना लिया तो ऑफकोर्स उस कपड़े में वो क्वालिटी नहीं होगी ये कैसे यकीनी बनाए हमारे सार्फिन के जो वो ले रहे हैं वो जेनवन पॉपुलर प्रोडक्ट है जी दो बातें आपने की और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें कोई शक नहीं है एक तो खैर मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की पहले किस ज़माने में रोटरी प्रिंटिंग हुआ करती थी रो, रोटरीज जो है ना वो स्क्रीनस बनती थी और वो रोटेट करती थी और बहुत तेज़ी से जो है प्रिंट करती थी दैन उसके बाद फ्लैट बैड प्रिंटिंग आई स्क्रैपिंग जिस तरह जो है ब्लॉक प्रिंट की तरह जो है वो चीज़ें होने लगी फिर अब इट्स अ न्यू इन्वेंशन और वो डिजिटली uh, जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और थ्री डी के साथ जो है वो प्रोडक्ट दी जाती है अब चूंकि डिजिटल uh, का ज़माना है hmm. और जो है वो एक मॉडर्न uh, ज़माना आ गया कमिंग बैक टू टू नेक्स्ट क्वेश्चन द कापी राइट या इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट स्पेशली इन पाकिस्तान खैर बहुत पूरी दुनिया में भी कापी राइट होती है sure. uh, कॉपीराइट जो है वो हम भी करवाते हैं लेकिन हर डिज़ाइन को जो है वो कॉपीराइट कराना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतने डिज़ाइन आ रहे हैं आई मीन I mean, हम जैसे द फर्स्ट टाइम वी ब्रॉड 500 हंड्रेड डिज़ाइन दिस इज़ हिस्ट्री इन पाकिस्तान के किसी भी ब्रांड ने बड़े ब्रांड ने जो है वो एक साथ पाँच सौ तो डिज़ाइन एक साथ जो है वो लॉन्च किए वो हमने अभी जो है वो एक साथ पाँच सौ डिज़ाइन लॉन्च किए उनको कॉपीराइट कराना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन पाकिस्तान कितना स्मार्ट है आप देखें लोग हमारे कितने स्मार्ट हैं कि दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही जो है वो उसकी कॉपी आ जाती है और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक रही होती है पता भी नहीं चलता कि प्रोडक्ट खैर क्वालिटी से पता चलता है इसमें कोई शक नहीं है जब इंसान पहनता है उसके बाद उसको धोता है तो उसको पता चलता है कि नहीं ये कॉपी थी मैंने असली जो है प्रोडक्ट नहीं ख़रीदी तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है यार ऑब्वियसली मुझे बताएं कि 500 प्लस डिज़ाइन के साथ आपने लॉन्च किया है साल 2020 हज़ार फाइनेंशियली टफ़ हर इंसान के लिए था और जैसे कि आपने कहा कि आपकी एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस है फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड लोअर उनकी परचेजिंग पावर में शबाज़ साहब आप डिफरेंस देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त हर इंसान ये कह रहा है कि चाहे आटा दाल चीनी या जो अशया खुरदनोश है, हैं ज़रूरत की अशियाएँ सब की कीमतें आसमान पर क्या इस साल आप लोगों ने भी प्राइस बढ़ाई हैं उनकी परचेजिंग पावर अफोर्डेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं जी आ, इसमें कोई शक नहीं है पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो है वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की बाइंग पावर जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई बहुत रिड्यूस हो गई बहुत वीक हुई है तो उसी को हमने देखते हुए डेफिनेटली वी ब्रॉड अ प्रोडक्ट जो लोअर मिडिल क्लास भी जो है वो जिसे अफोर्ड कर सके अदरवाइज़ तो आपको पता है फैशन ब्रांड्स जो है वो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के लिए बनाए जाते हैं बट पॉपुलर हैज़ ब्रॉड दीज 500 डिज़ाइंस स्पेशली फॉर द लोअर मिडिल क्लास कि वो अफोर्ड कर सकें और अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से ही हमने सस्ता इसको प्रोडक्ट को बनाया जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने इसको एंटी बैक्टीरियल भी इसमें पैसे okay. नहीं डाले हैं एंटी बैक्टीरियल कि हमने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को जो है उसको मार्जिनस को रिड्यूस किया है ताकि सब उसको अफोर्ड कर सकें और ये डेली वेयर है चुके तो ये डेफिनेटली पहना जाएगा और हर इंसान जो है वो घर में ड्रेस तो पहनता ही है और तो ख़्वीन को ये बताते चलें कि मजेदार और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पॉपुलर के 500 हंड्रेड के साथ आपको अक्सर के साथ बल्कि ज़्यादातर के साथ आपको मैचिंग मास्क भी मिलेंगे जी बाय ऑल भाई अच्छा मुझे ये बताएं शहबाज साहब कि जब आप बात करते हैं ओवरऑल साल दो सबके लिए टफ था एज अ ग्रुप एज बिजनेस ग्रुप आप लोगों को किस चीज़ ने होप दी वॉट यू गोइंग क्या लोगों के ठीक है परचेजिंग पावर तो कम हुई लेकिन ख़रीदारी के पैटर्न्स में भी फ़र्क आया लोग जहाँ चार जोड़े लेते थे उन्होंने दो लिए क्या, क्या फ़र्क क्या देखा आपने देखें टू यू नो दोनों चीज़ें थी uh, जो फूड प्रोडक्ट्स थी वो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हाइप पर गई लोगों ने जो है वो खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट किया हाइजीन प्रोडक्ट्स पर बहुत कॉन्सन्ट्रेट किया और उनकी सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी इस हद तक बढ़ी कि आप और हम लाइनों में लग कर हमने चीज़ें ली और हमें चीज़ें नहीं मिली तो इसी तरह जो है वो जो फैशन सेक्टर है उसको आ, बिल्कुल प्रॉब्लम आई इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो डेली रूटीन की चीज़ें थी उनमें से उनकी सेल्स में जो है वो इजाफा हुआ क्योंकि लोग घर में थे और वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे एंड एवरीबडी वज़ यूजिंग इट तो जो खाना ख़ास तौर पे जो फैशन है उसको यस आप पूरी दुनिया में देखें न्यूयॉर्क बंद था अमेरिका बंद था तो अमेरिका पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स हैं दरमियान में बहुत वीक रहीं फिर उसके बाद दोबारा जब री स्टार्ट हुआ अपना जून जुलाई में जब री स्टार्ट हुआ तो अलहमदिल्ला पाकिस्तान के पास बहुत ऑर्डर्स आए रीज़न बींग शायद जो है वो चाइना के पास से ऑर्डर जो है वो कट होकर पाकिस्तान आए और यूरोपियन uh, कंट्रीज़ ने भी जो है पाकिस्तान को फोकस किया क्यों इसलिए भी फोकस किया कि पाकिस्तान में अलमदिल्ला जो पेंडेमिक सिचुएशन थी वो कंट्रोल्ड थी और हमारे यहाँ जो डेथ्स हैं हमारे यहाँ जो जो केसेस हैं वो बहुत ही कम थे अल्लाह का बहुत एहसान है आ, पता नहीं क्यों कम थे ये भी जो है वो सोचने और देखने की बात है कर्म तो है अल्लाह का इसमें कोई शक नहीं या हम ऐसे इन्वामेंट में रहते हैं कि हम हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉग है आ, बाकी दूसरे लोगों से जो है वो स्ट्रांग है हमारा इम्यून सिस्टम इसलिए जो है वो पाकिस्तान को लोगों ने फोकस किया और उन्होंने कहा कि जब ये ख़ुद अपने आप के लिए आ, ये इस तकलीफ़ से बाहर निकल सकते हैं तो वाइन आउट फिर ऑर्डर्स आए पाकिस्तान में और फिर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बूम आया जो कि अभी तक चल रहा है अलहमदिल्ला क्या लोगों की जो डिमांड है जो टेस्ट है उसमें तब्दीली आई क्योंकि देखें साल 2020 ने हम सबको सिखाया कि क्या चीज़ हमारी ज़रूरत है और क्या चीज़ आसाइश है यानी जो बेजा हम शॉपिंग अगर करते थे या बहुत भड़कीले काम वाले कपड़े पहनते थे हमें रियलाइज़ हुआ कि जी उस तरह की सोशल गैदरिंग्स और बाहर निकलना ही नहीं है तो क्या आपको लगा और इस दफ़ा के आपके कलेक्शन में भी शायद ये रिफ़्लेक्ट हो कि लोग सादगी की तरफ लौट आएँ जी क्यों नहीं डेफिनेटली हर इंसान जो है इस वक्त ये सोच रहा है कि मेरा बजट क्या है और उस बजट को मैं कैसे कट करूं क्योंकि बड़ी मुश्किल से अर्निंग जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है हर इंसान अब वो ऑनलाइन की तरफ भी बहुत सारे लोग आ गए हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स बल्कि सारे ही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन पर चली गई हैं तो लोगों ने अपने ख़र्चे जो है वो कट किए हैं तो प्रा, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस भी जो है वो कम हुई हैं जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि पहले हमारी प्राइसेस लट से 2000 थी तो अब 1500 जो है वो प्राइसेस हो गई हैं किसी भी प्रोडक्ट की और इसी तरह लोग जो है वो फोकस हो रहे हैं आर एंड डी कर रहे हैं कि किसी तरह प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसेस कम की जाए ताकि अफोर्डेबिलिटी पाकिस्तानियों के लिए सबके लिए जो है वो और, और जो जो उसका डिजाइन फैक्टर है मैं आपको एक दफा फिर कहूँ कि Uh, सादगी में बहुत ग्रेस है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो वन कलर चीज़ों पे आ गए उनको यू uh, नो you know, अगर थ्री पीस सूट है तो सब चीज़ें प्रिंटेड नहीं पसंद कम रंग मोनोक्रोमेटिक टोन्स तो होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो रंग में खेलें बहुत बहुत शुक्रिया शबा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए दीज वर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड डू चेक इट आउट इट्स अ वेरी अफोर्डेबल रेंज फाइव प्लस डिज़ाइंस हैं मोस्टली उनके साथ मैचिंग मास्क भी आपको मिलेंगे आई एम श्योर के खातन इसमें इंटरेस्टेड होंगी जेनवन पॉपुलर uh, फैब्रिक्स को ही इस्तेमाल कीजिए टेक अ लुक एट देम. इसके साथ ही हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक विल बी राइट बैक